everyone, hope you all are good, fit and fine and safe at your places. So welcome to my vlog. आज इस vlog में हम जा रहे हैं अन्ना गणपति. नासिक में ये गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर है. अन्ना गणपति की बहुत मान्यताएं हैं, तो आज मैं, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड, हम तीनों अन्ना गणपति के दर्शन करने जा रहे हैं. तो अगर आपको मौका मिले तो आप नासिक ज़रूर आइए. ये एक देवभूमि है, यहाँ पे बहुत से ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हुई है और यहाँ पे बहुत मंदिर भी है. मैं एक बार सीता गुफा भी गई थी, ऐसा कहा जाता है. यहाँ पे सीता जी भी रुकी थी एक बार पंचवटी में कहीं पे, तो मैं वहाँ पे भी जाकर आई थी, बट मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बना पाई थी. यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं, और आपको कभी मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा. फ्रेंड्स, तो हम सब फ्रेंड मिल गए हैं, अभी हम जाने वाले हैं. तो ये है श्वेता, जो कभी लड़की नहीं लगती है, बट आज बहुत सुंदर से हाँ, मतलब ये तो मेरी बहन है और ये एक दोस्त है जो कि बहुत सालों बाद अपने दर्शन दे रही है और पहली बार लड़कियों जैसे तैयार हुई है, क्योंकि ये होटल मैनेजमेंट करे तो वहाँ पे इसको थोड़ी अक्ल दी जा रही है. बता श्वेता, तूने हमें इतने टाइम से कितना मिस किया. जोर से, बिल्कुल भी नहीं. और ऐसा क्यों? इसका नंबर ब्लैंक लिस्ट में जाने वाला है. बिल्कुल जाने वाला है, और इतने टाइम जो मिस नहीं करती हमें, हम तेरे दोस्त नहीं है. हाँ, बट मिस नहीं करती. क्यों नहीं करती? बस मन ही नहीं करता. वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए, रिप्लेसमेंट्स मिल गए उसको वहाँ पे, है ना? हमारे श्वेता का पता है मैंने क्या नाम रखा है? उल्लू और पांडा. और इसके नंबर के आगे भी भाई. और ये चश्मे के साथ एकदम उल्लू लगती है, और चश्मा हटा दे तो भी उल्लू लगती है, और वैसे दिखने में पांडा लगती है. तो आपको क्या लगता है गाइस, उल्लू या पांडा? जल्दी से कमेंट करके बताइए. जब हम अन्ना गणपति पहुँचे तो दरबार बंद हो चुका था. हम 12:30 करीब पहुँचे थे और दरबार 12 बजे ही बंद हो चुका था, और उन्होंने कहा था कि दरबार 4 बजे खुलेगा. अभी कितनी सुंदर है ये मुर्गा. नहीं, इतनी अजीब चीज, इतनी अजीब चीज मेरे साथ नहीं हो सकती श्वेता, ये सिर्फ तेरे साथ ही हो सकती है. मुर्गे ने इसको चोंच मारी है, देखो. गाय ने सींग भी मारी है. उसको तेरे से प्यार हो गया, कोई पिछले जन्म की दुश्मनी होगी. मैं, हेलो, क्या नाम है आपका? काटते तो नहीं हो भाई, दिख तो प्यारे रहे हो. काटते तो नहीं हो? हाँ, चल रही हूँ भाई. कहाँ जा रहे अभी हम? और फिर हम गए थे बटरफ्लाई गार्डन, तो वो भी बंद था. हमारी किस्मत इतनी ख़राब कि वो भी बंद था. उन्होंने कहा कि बटरफ्लाई गार्डन आज के दिन बंद है. फिर हमने सोचा कि इतनी दूर नासिक रोड आए हैं, फिर वापस घर जाएंगे तो कम्प्लीटली टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो पास में ही हमारा पांडव लेनी है, तो हम वहाँ पर आ गए हैं. सो अभी हम वेट करें श्वेता का. वो उधर से बेचारी चल चल कर आ रही है, क्योंकि हम ट्रिपलिंग पर नहीं आ सकते थे और वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे. सो वो आ रही है और हम दोनों यहाँ पर उसका वेट करें. पास में ही गेट, ज़्यादा दूर नहीं है. ये रन्ना रंजना, हमारा कितना टाइम वेस्ट जैसा अभी लग रहा था ना. हाँ, ऐसा होता है कि हम कहीं कहीं जाए और कुछ होना, ऐसा तो हो नहीं सकता है. यू नो, पनौती नहीं पहुँच सकते, बट ठीक है, मेमोरी बन जाती है. बट हमेशा ऐसा होता ही है, कोई कुछ कह नहीं सकता. हम पहली जगह पे गए वो बंद, दूसरी जगह पे गए वो बंद, तो अभी इधर इधर आ गए. वहाँ पर नीचे खाने पीने के अच्छे खासे स्टॉल्स लगे रहते हैं. वीकेंड डेज पे झूले भी रहते हैं बच्चों के लिए. वहाँ पे गधे, घोड़े और ऊँट की सवारी भी आप कर सकते हो. तो हम अभी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं. हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, मेरे जीजू के साथ आए थे. हाँ, आ चुके हैं, मेरे जीजू के साथ आए थे. मतलब उधर ही पास में रहेगा. ऊपर तक जाते जाते बहुत थक जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था हम इधर आने वाले हैं, तो मैं सैंडल पहनकर आई हूँ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक इन इट. सो बट मेरे को ऊपर जाना है,
यू नो स्पिरिट। इन बोर्ड पे कुछ जानकारी लिखी है केव के बारे में, आप पढ़ सकते हो। हम तो भाई अभी चलते चलते इतना थक गए ना कि हम सब अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, तब दोबारा ऊपर चलेंगे, है ना। ये देखो श्वेता का घर मिल गया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि श्वेता उल्लू है, तो यहाँ पे उसका बसेरा अच्छे से हो सकता है। हम अभी पहुँच गए हैं, अभी हम एंट्री करेंगे। केव की टिकट इंडियन सिटीजन्स के लिए ₹25 है और फॉरनर्स के लिए ₹300, और इसकी टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक है। ये 6:30 बजे के बाद टिकट देना बंद कर देते हैं। ये केव्स हिल्स के ऊपर नासिक सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। ये केव्स त्रिरश्मि हिल्स पे बने हैं, इसलिए इसे त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव भी बोलते हैं। ये हिल्स सी लेवल से 3,004 फीट की ऊंचाई पे है। ये केव्स 2,000 साल पुरानी है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। ऊपर चढ़ने के लिए टोटल 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ वीकेंड डेज पर भीड़ ज़्यादा होती है। यहाँ पर टोटल 25 केव है, जो कि पुराने टाइम्स में राजा महाराजाओं द्वारा और कॉमन पीपल ने मॉन्क्स को डोनेट किए थे। इनमें से सबसे मेन केव चैत्या केव है, जो मॉन्क्स का प्रेयर होल होता था, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर एक स्टूपा भी है, और अगर आप यहाँ सुबह में जाते हो तो सनलाइट सीधा केव के अंदर आएगी, तो आपको सब कुछ बहुत ही क्लियर विजिबल होगा। लेकिन आप अगर शाम के टाइम में जाते हो या दोपहर के टाइम में आते हो, तो आपको अंदर बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, कुछ ढंग से दिखाई नहीं देगा, तो आपको अपने फ़ोन के टॉर्च से देखना पड़ेगा। यहाँ कुछ केव्स एज अ वाटर रिजर्वायर भी यूज़ होते थे, जो कि अभी बंद है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल सोर्सेज, महाभारत पीरियड में पांडव्स अपने एग्जाइल पीरियड के टाइम यहाँ पे रुके थे, लेकिन इन केव की कार्विंग उन्होंने नहीं की थी, ये मॉन्क्स द्वारा की गई थी। इफ़ यू लव आर्कियोलॉजिकल साइट्स और आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है, तो आपको इस जगह पे एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। जोर से बोल, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, और ये हमारी ऐतिहासिक जगह है, तो ज़रूर ही आना चाहिए। तो हमारे पास एक लड़की है जो कि बहुत ही बेवकूफ़ है, जिसमें अकल नहीं है, वो ये है, ये सबको मारती रहती है, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेती है, नाखून तो इतने बड़े, इसके राक्षस लगती है, और अंदर भी एक राक्षस है जो चिल्ला रहे तब से करके ये संजना पता नहीं कौन चिल्ला रहे हाउलिंग कर रहे तब से, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये लोग हंस रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, पागल हो गए हंसते हंसते। हाँ, तो ये मेरे ब्लॉगिंग का स्टाइल है, आप लोगों को नहीं पसंद आता तो स्किप कर देना ये पार्ट, आई डोंट केयर। ये देखिए, आई डोंट नो उन लोगों ने कैसे कैसे कट्स लगाए, ये अर्जुन ने एक बांध चलाया होगा तो ऐसा कट लग गया होगा, कर लो। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ पे से कोई कूद के गिर भी नहीं सकता है, गिर सकता है, हाथ पैर टूट सकता है,
हाँ केव है अंदर केव, और यहाँ पे कोई तो भी एक पुतला बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे ऐसे मत बोल, पुतले जी बैठे हुए हैं दिखाती हूँ इस जल्दी। स्टैचू ऑफ आई डोंट नो कौन से कौन है ये स्टैचू ऑफ वाले, बस तो फिर मैं यहाँ पे नंबर 15 लिखा हुआ है, ये रूम नंबर 15 है रूम नंबर 15 जिसका भी होता होगा ये उसी का पुतला होगा, आई डोंट नो किसका है। और यस, और ये भी अभी बहुत बड़ा है ये जगह। तो गाइज एक ये है, ये शायद ये इनका महल होता होगा, ये काफ़ी सुंदर दिख रही है ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। तो आई थिंक यही होता होगा उनका महल, महल इन द सेंस कि जिसमें वो लोग रहते होंगे और सोते होंगे और खाते पीते होंगे वट एवर। सो इधर पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्लीपर उतार के जाते हैं और लेट मी शो यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। आई थिंक उनका कुछ पूजा करने का होता होगा, ऐसा तो लग रहा है पूजा करने का कुछ होता होगा। और ऊपर है जैसे कि आप देख सकते हैं गेरी ऊपर जाके, ऊपर सीढ़िया के पास है, तो वो जाके दिखाऊंगी मैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा उनका महल, उनका केव, बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा है। रियली लाइक, मेरा घर भी काश ऐसा होता, पर अभी क्या कर सकते हैं, मेरा घर तो बस ईंट का बना है, पत्थरों का घर बना होता तो मज़ा आ जाता, जो कभी नहीं टूट सकता बिना अपनी मर्जी के। सो या वेट, आई विल शो यू दिस, अच्छा लग रहा है ना, और भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले मैं आपको खुद को दिखाऊंगी, बिकॉज इट्स रियली नेसेसरी कि आप अपनी ब्लॉगर को देख लें। थक गई मैं, आज मैं थोड़ी संस्कारी बन के आई हूँ ना, मैं हूँ संस्कारी, मैं दोनों हूँ, मैं मॉडल भी हूँ मैं संस्कारी भी हूँ। बस हम मंदिर जाने वाले थे इसलिए मैंने सूट पहना, वरना यहाँ पे थोड़ा ऊपर चलना पड़ता है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहन कर आती, बट इट्स ओके। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इतना लंबा कुछ है हम इसको कह सकते हैं, यार मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मैंने कुछ अड़न शड़न या गलत बोल दिया तो इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टिंग, है ना, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। जो है आपको जो समझना है समझिए, क्योंकि आई रियली डोंट नो ये क्या था क्या है। आई थिंक सो यहाँ पे भी ये पूजा ही करते होंगे, हर जगह पूजा करते होंगे यार, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो भी दिख रहा है, आई थिंक शिवलिंग होता होगा शायद, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ऊपर से यहाँ से कुछ पानी वानी गिरता था, तो शिवलिंग हो सकता है, ऊपर कुछ रखा होता होगा शिवलिंग, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, बस आई एम गिविंग अ क्लू कि ऐसा हो सकता है। एंड ये छोटे छोटे यहाँ पे स्टोर रूम्स टाइप है, बहुत ही छोटे हैं, स्टोर रूम भी नहीं बोल सकते हैं। और ये इनका बड़ा सोफ़ा है जिस पर मैं बैठ सकती हूँ, आप देख सकते हैं, ये बड़ा सोफ़ा है। और यस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर एक दिन के लिए इसको मैं मेरा घर बनाऊँ तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी आवाज़ ही मुझको गूंज के मुझे डराएगी। इसके अंदर भी एक लंबा सा सोफ़ा है, सो कॉल्ड उनका बिस्तर। तो यस, आई थिंक सो यही होता होगा उनका बेडरूम, बिकॉज इधर सोफे सोफे हैं, आई मीन बिस्तर बिस्तर है, तो यही होता होगा उनका बेडरूम, ये सब में है यार, होता होगा शायद से, आई डोंट नो, मैं अंदर जाके देखती हूँ। बट देर इज़ नॉट इनफ स्पेस टू स्लीप, आई मीन उनके जो साइज़ का प्रॉब्लम है, मतलब लंबे तो हैं वो बट साइज़ का प्रॉब्लम, सो शायद बैठते होंगे। और यस, ये रूम काफ़ी बड़ा है, अच्छा यार, उनकी ज़िंदगी तो आबाद थी, बर्बाद भी थी थोड़ी, लेकिन आबाद भी थी भाई। पर मैं सोचती हूँ अगर मैं पुराने ज़माने में से कोई होती तो क्या होता, ये मैं सोचती हूँ। तो यहाँ पे खड़ी होकर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे खड़ी होकर मैं बकवास कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी हॉबी है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं तब से बकवास किए जा रही हूँ, बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास, सो ये मेरी हॉबी बन गई है बकवास करने की। बट ठीक है, पीपल लाइक माई बकवास, तो
एंड आई ऑल्सो लाइक माई बकवास, तो कभी कभी करना अच्छा लगता है. सम पीपल डोंट लाइक, सो मैं उनका क्या कर सकती हूँ. दिस शुड अवॉइड मी, और क्या बोलूँ मैं. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट एवरी वन लाइक्स अस, सो या. चल शैतान, थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं. तो बता, तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? बहुत सही चल रही है मेरी ज़िंदगी. तेरी कैसी चल रही है? पता है, बेचारी की ज़िंदगी में इतना दुख है कि कुछ नहीं खा के पी बेचारी ऐसी हो गई. और मेरी ज़िंदगी में ऐसा दुख है कि मैं खा के पी ऐसी हो गई हूँ. तो हम मोटू पतलू की जोड़ी आपको कैसी लगेगी गाइज, बताना ज़रा. ठीक है, मेरी बिंदी तो निकल गई. मैं सोची इसकी चुरा लेती हूँ, पर ये ऐसा दांत मारती है, बहुत भयंकर जानवर है ये. पांडा तो नहीं लगती है, अलग ही जानवर लगती है. रंजना अपनी हड्डियाँ मारती है. अरे ये मुझे मारती है, इसको मेरी हड्डी लग जाती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद मेरी हड्डी से परेशान हूँ. अरे ये भगवान थे शायद, मैंने इनको पुतला बोल दिया था गलती से. इधर पे देखो, लोग उनको उनका पैर छू रहे हैं. क्या कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं. हाँ, तो संजना अपने डांस की वीडियो बनवा रही है. अरे इधर श्वेता, जिसका हमेशा की तरह सड़ा सा मुँह बना हुआ है, पता नहीं क्यों. ये है ही ऐसी, क्या कर सकते हैं. तो गाइस, हम जा रहे हैं घर. और संजना ने अभी हम अन्ना गणपति जा रहे हैं. हाँ, संजना ने रत्ती भर की, मेरे को हील में चलना नहीं आता थोड़ा. संजना ने रत्ती भर की भी ब्लॉगिंग नहीं की है, इसकी सारी आधी से ज़्यादा ब्लॉगिंग्स मैंने की है. तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि इसने एक नहीं दो साल पहले भी इसने वीडियो बनाई थी और उसने उसका ब्लॉग कुछ डाला ही नहीं, आई हुई थी हम, क्योंकि वो बहुत आधी अधूरी थी. तो मैं तो इसने कुछ डाला ही नहीं था उसका. और ये देखिए, काफ़ी अच्छा है ये काफ़ी सुंदर भी है. हाँ, काफ़ी सुंदर व्यू है और बहुत ही प्यारी जगह है ये. मैं आपको इनका एक सुंदर सा महल दिखाती हूँ. आप नासिक आएंगे तो घूमने वाली जगह बहुत है, बट ज़रूर आइए. घूमने वाली जगह बहुत है, लेकिन अफसोस मैं पता नहीं कुछ घूमी नहीं हूँ. बहुत ही गरीब हूँ मैं, गरीब इन द सेंस कि मेरे साथ कोई घूमने नहीं आ पाता. और आ भी पाता है तो फिर मैं नहीं घूमने जा पाती हूँ. ये देखिए, तो हम यहाँ से अलविदा ले रहे हैं. संजना आ जाइए. तो संजना आ रही है. फुटप्रिंट के निशान है जो कि श्वेता के फुटप्रिंट से बिल्कुल मैच कर रहे. तो शायद वो उस टाइम पे दासी बनकर आई होगी या कोई खुफिया, क्या बोलते हैं, है ना, वो कौरवों के साइड से होगी. हाँ, पक्का जासूस बन के. सूर्पनखा यही अकुजी बता रही है, पर ये भूल गई है कि महाभारत के टाइम पर सूर्पनखा नहीं था. रामायण के टाइम पे बहुत ध्यान लेने की जरूरत है. तो मैंने एक गाना सुना था, लो सफ़र शुरू हो गया, बट यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हो गया. तो मैं गाना गा रही हूँ, लो सफ़र ख़त्म हो गया, लो सफ़र ख़त्म हो गया.